उसके चक्कर में एकदम कैजुअली आना शुरू कर दिया था। बता दिया करो कि कब आ रहे हो कब नहीं आ रहे हो। सही टाइम रहेगा आपका, आपका टाइम बता दिया फिक्स। हाँ आपका टाइम हमारा तो यही है, हमारा भी यही टाइम है। हाँ 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 क्या मैसेज था? ओहो बहुत सही आ भी जाएगा। अरे मैडम नहीं है, मैडम तो आगे बैठी थी ना। अरे अकेले उतरेगी, अरे कोई और निकला। अरे मैडम वो नहीं आएगी। मैं जल्दी देखा होता आप इसी भी मैंने यार दिखा दिया सर। वहाँ से मैं देखा आप रुके थे किधर? ये हाँ क्या है? मैंने इधर आया था, ये तो पूरा हो गया। नहीं आया यार क्या? मैं चप्पल मत दिखा यार। नहीं चप्पल नहीं आई नहीं। मैम के साथ चले मैम, मैम शर्मा रहती तुम जैसे तुम्हें देखी है ना। आ जाइए मैम, आ जाइए मैम, आ जाइए मैम, आज एक दिन मैम तेरी आज आज जय भाई। कल वो अपना एक जय भाई, कल एक टीवी के इंडस्ट्री से एक अनुपम श्याम जी का हो गया, उसके बारे में बिग लॉस टू द इंडस्ट्री एंड मुझे एक दो बार उनको मिलने का मौका मिला था। फैंटास्टिक एक्टर, उनकी काफी सारी फिल्में भी मैंने देखी है एंड यू गोना मिस हिम। माई मैम आइए ना, थोड़ा सा अभी तक नहीं देखा, सब कुछ झल किया। आज एक दिन प्लीज आइए आइए मैम, थोड़ा सा आज आइए ना मैम। वो देखो मेरी बीवी भाग रही है, भाग रही है। माई मैम, माई मैम सर अभी सर बिग बॉस में गए हैं तो कोई आपका फ्रेंड जो जिनको आप जानते हो सर? इस साल तो मैं एक्चुअली किसी को जानता नहीं हूँ जो गया है। नहीं एक्चुअली किसी को नहीं जानता हूँ, OTT वाले में से मैं जनरली मैं किसी को भी जानता नहीं हूँ। रिमा पंडित जी है? नहीं मतलब पर्सनली मैं उनको इतना जानता नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल पाऊँगा। हाँ लेकिन अभी तो 1.5 महीने का ही है, उसके बाद तो मेन बिग बॉस होगा, उसमें अपना कोई ना कोई तो दोस्त होगा। बिल्कुल कन्फर्म है। थैंक यू।